भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कितने खूंखार किससे जर्मन शेफर्ड से हम लोग मिले। इसका शरीर देखो पूरा शेर की तरह है। जर्मन शेफर्ड के पास रखा हुआ है लेबरा का बच्चा सब। तो है व्हाट्सअप ऑल गाइस, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो वेदर हो रहा है ना, एकदम खतरनाक कतई जहर वाला वेदर हो रहा है। पूरा सनी डे है, पूरा आसमान खुला हुआ है और सामने का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक मिनट। आप इधर देखो गाइस, कितना खतरनाक वाला व्यू हो रहा है चारों तरफ। इधर ये पुरानी वाली घर जो है उसके उधर पेड़ पौधे देख सकते हो, और उसके उधर खेत देख सकते हो। धूप तो गाइस इतना खतरनाक कतई जहर वाला है ना कि आप जल जाओगे धूप में जाओगे। और ये जो सामने देख रहे हो उसमें अगर अभी कोई एक माचिस की तिल्ली जला के फेंक देना, पूरा का पूरा खेत आग के लपटों में दहल जाएगा, समझे क्या। तो यही है, तो कहीं चलते हैं तो आपको दिखाते हैं फिर। तो हे गाइस, आज फिर से दोपहर में जैसा कि आप देख सकते हैं उधर रहा हमारा गाछी और इधर रहा हमारा खेत। हमारा खेत नहीं, किसी और का खेत है। इधर से देख सकते हैं तंबाकू जो हम दिखाए थे कुछ दिन पहले, उसको काट के हटा दिया गया। और इधर गेहूँ बारिश की वजह से देख सकते हो फसल कितना ज़्यादा बर्बाद हुआ है। ये सब जो आपको बीच बीच में झुका हुआ दिख रहा है ये सब बारिश का नतीजा है। वो जो बीच में जो एक दिन बारिश आया था ना, उसी से बर्बाद हुआ है। और जिसमें हम नाव चलाने आए थे उसमें देख सकते हो पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें कैसे कटाव बन गया एकदम। यही है कुछ सीन पूरा। अरे 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 अरे, सॉरी, अब नहीं बनेगा वीडियो। तो हे गाइस, आज फिर से चल के आए हम लोग उसी फार्म हाउस पे, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। एक मिनट रुकिए, अभी तो पूरा ब्लर हो गया होगा। अब देखिए पीछे आपको पूरा खेते खेत दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। एक मिनट का, इस धूप के वजह से ऐसा हो रहा है, देख सकते हैं। अरे यार रुकिए एक मिनट, देख सकते हैं। अभी हम इसके छत पर भी चलेंगे इस सीढ़ी से। और इधर देख सकते हो पूरा खेत ही खेत है। इधर दो दो डॉगी बांधे हुए, अभी बांधे हुए हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता, एक जर्मन शेफर्ड और एक लेबरा। और यही है रूम, कुछ पिछली बार आए थे इसके अंदर भी एक जर्मन शेफर्ड है, वो लगता है खूंखार है इसीलिए उसको अंदर बांधा गया है। और ये दोनों मतलब अच्छा है, समझदार है, इसीलिए ये दोनों को यहाँ बांधा गया है। आइए बैठा जाए, तो चलिए बैठते इसके छत पे भी चलेंगे अभी, तो आपको दिखाते हैं छत से क्या व्यू, कैसा व्यू है गाइज। अभी अभी हमें पता चला कि ये जो लेबरा है ये पहले बहुत मोटा था, ठीक ना, और ये लेडी लेबरा थी। तो हम लोगों को उस उतना देर से हम मतलब गौर नहीं किया, अभी बैठे हुए थे तब पता चला कि इसका पेट में तो बच्चा था जो अंदर हो चुका है और उधर जर्मन शेफर्ड के साथ खेल रहा है अंदर में। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से छेद से दिखा आपको, जर्मन शेफर्ड के पास रखा हुआ है लेबरा का बच्चा सब। इधर जर्मन शेफर्ड है, दो तीन लेबरा का बच्चा है, दो तीन नहीं तीन चार है, दिखा ब्लैक ब्लैक। ओ ये, तो गाइस अभी हम लोग इसके छत पे आ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं डॉगी दिखाने का। उधर सामने पूरा पोखरी वगैरह है, वहाँ पे रैक पर का सामान कंक्रीट रखा हुआ है। वो चिमनी पे भी गए थे हम कुछ दिन पहले। और इधर देख सकते हैं, आपको चारों तरफ यहाँ से दिखाते हैं, उधर रेलवे ट्रैक और डल्डा फैक्ट्री दिख रहा है सामने। और इधर दूर दूर तक आपको सिर्फ खेत ही खेत दिख रहा है। और यहाँ जो हवा आ रहा है ना गाइस, एक नंबर वाला जो कहा जाता है वही मज़ेदार वाला हवा है। तो गाइस सामने से धूप आ रहा है लेकिन यहाँ पे हवा इतना भी जोर चल रहा है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। आँख तो नहीं खोल सकते क्योंकि सामने से धूप आ रहा है, पीछे से करते तो फिर कैमरा में कुछ दिखता नहीं। बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एक टंकी भी रखा हुआ है, इसमें पानी भी, बारिश का पानी मतलब कि स्टोर होता है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अब यहाँ से नीचे। तो हे गाइस, अभी तो मैं अपने घर आ गया हूँ और आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हो मेरा आरसी कार, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। जानते हैं गाइस क्या प्रॉब्लम हो गया, ये पूरा चीज़ तो इसका ठीक है, आगे का ये भी मुड़ता है देख सकते हो आप पूरा, लेकिन इसका जो पीछे वाला चक्का जो नचता है इसका गियर बॉक्स ही ख़राब है। यही बस यही एक छोटा सा प्रॉब्लम है इसमें जिसकी वजह से ये नहीं चल पा रहा। तो इसका कुछ देख सकते हो, इसको तो मैंने पूरा तोड़ तोड़ दिया है, लेकिन इसका कुछ जुगाड़ ढूंढ के इसको ठीक करना है मेरे को। तो हे गाइस, अभी तो मैं फ़िलहाल अपने घर आ गया हूँ और आजकल ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, क्योंकि पूरा सुबह से तो बाहर निकल नहीं पाते, कहीं जहाँ भी जाते शाम में ही जाते क्योंकि धूप इतना ज़्यादा हो गया है। गर्मी के दिनों में कहीं जा नहीं पाते, ठंड के दिन था तो कहीं कहीं जाते थे तो वीडियो बनाते थे, तो अभी तो कहीं जाना पॉसिबल ही नहीं है, इतना धूप है। तो यही है कुछ सीन, और क्या ही बताएं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। मिलते किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो चलिए टाटा बाय बाय।